सभी का स्वागत है अदितिस किचन में। किचन में होने वाली छोटी मोटी गलतियों से काफ़ी डर लगता है। दरअसल कई बार खाना तैयार करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको कुछ किचन हैक्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा। मीठी डिश, अगर आप कोई भी मीठी डिश बना रही हैं तो उसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए। ऐसा करने से खाने का स्वाद अधिक बढ़ जाएगा। मायोनेज, अगर आप एक ही तरह के मायोनेज खाकर बोर हो चुकी हैं तो प्लेन मायोनेज में हरी चटनी, चिली सॉस या बारीक कटा धनिया पुदीना मिला लीजिए। ऐसा करने से आप नए फ्लेवर का स्प्रेड तैयार कर लेंगे। दाल के पानी का करें इस्तेमाल। दाल उबालने के बाद अक्सर उसका एक्स्ट्रा पानी बच जाता है जिसे महिलाएं फेंक देती हैं, लेकिन अब आप उसे फेंकने के बजाय आटा गूंथने में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से न्यूट्रिशंस बरकरार रहता है। चावल बनाते समय महिलाओं की एक शिकायत होती है कि उनके चावल चिपक जाते हैं, लेकिन अब आप चावल बनाते समय उसके पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू की रस के डाल दें। ऐसा करने से आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। ग्रेवी ऐसे बनाएं। खाना बनाते समय ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते समय उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें। दरअसल चीनी ग्रेवी को अच्छा रंग देती है और इसमें स्वाद भी बढ़ जाएगा। लहसुन स्प्रेड, लहसुन की कलियां को बारीक काट के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। फिर इसे दही, चिली फ्लेक्स, नमक और बारीक कटे धनिया के साथ मिक्स करें। ऐसा करने से आप टेस्टी स्प्रेड तैयार कर लेंगी। इसे आप चाहें तो सैंडविच में लगाकर खा सकती हैं। तेल अधिक होने पर ये करें। अगर आपकी ग्रेवी में तेल अधिक हो गया है तो उसे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीजर में रख दें। ऊपर तेल तैर रहा तेल जम जाएगा और आप आसानी से उसे निकाल कर फेंक सकती हैं। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकलता है उसे फेंकने के बजाय आटा गूंथने में इस्तेमाल करें। इससे पराठे सॉफ्ट होने के साथ ही साथ काफ़ी टेस्टी भी बनेंगे। पूड़ी, अगर आप पूड़ी में अधिक तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो उसे बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें। ऐसा करने से फ्राई करते समय आपकी पूड़ी अधिक तेल नहीं सोखेगी। सब्जी नहीं पड़ेगी काली। महिलाएं समय की कमी के कारण रात में ही सब्जियां काट कर रख लेती हैं ताकि अगले दिन झटपट उसे बना लें, लेकिन ऐसा करने से कई बार सब्जियां
काली पड़ जाती है। ये काली ना पड़े इसके लिए सब्जियों को हमेशा नमक के पानी में डालकर फ्रिज में रखें। सूजी का हलवा, सूजी या आटे का हलवा बनाते समय उसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला लें। ऐसा करने से हलवे का स्वाद दुगना हो जाएगा। मलाई, मलाई से अधिक घी निकालने के लिए उसमें बर्फ़ डालकर मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड करें। ऐसा करने से मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। इस मट्ठे का इस्तेमाल आप रवा इडली का बैटर बनाने के लिए कर सकते हैं। भिंडी, अगर आपकी भिंडी की सब्जी चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त इसमें नींबू का रस डाल दें। ऐसा करने से भिंडी का चिपचिपापन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते समय उसमें बेसन भी मिला सकती हैं। ऐसा करने से भिंडी क्रिस्पी बनेगी। छेना, छेना फाड़ने के बाद उससे निकलते पानी को कभी भी फेंके नहीं, बल्कि उसे आटा गूंथने में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से रोटी टेस्टी और मुलायम बनेगी। फ्लफ़ी केक, बिना अंडे के फ्लफ़ी केक बनाने के लिए आप हमेशा केक का बैटर केले और दही के साथ बनाएं। ऐसा करने से आप बिल्कुल परफेक्ट केक बना पाएंगी। कैसे लगे कुकिंग हैक्स, इन्हें आजमाएं और देखें फ़र्क। तो ऐसे ही जुड़े रहे अदितिस किचन 92 के साथ, ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching.